पॉलिटिकल साइंस की थर्ड ब्रांच जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम को एनालाइज करती है। हम जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये बात करता है ऐसे सिस्टम की कि जिसमें हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाते हैं, नॉट विद इन द बाउंड्रीज, रादर बियॉन्ड द बाउंड्रीज। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, और यही वो एलिमेंट है जो मतलब इसके अंदर जो है वो डिस्कस होता है। आप जब भी बात करोगे आईआर की कि व्हाट डज मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेसिकली relations among nations, relations among nations, relations beyond the boundaries, कि ऐसे ताल्लुकात जो सरहदों से परे हो, हम इनको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ लेके चलते हैं, और जिनका ताल्लुक टिपिकली दुनिया भर के अंदर होने वाली तमाम हैपनिंग्स के साथ हो, जिससे दुनिया और दुनिया के ममालिक जो है वसंदाज होते हैं। दैट इज टिपिकली डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम इसको पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है वो एंगेज करें। सो मोर और लेस वॉर, पीस, conflict resolution, international law, economics, international organizations, diplomatic relations, दूसरे मुल्कों के साथ जो सफारती तालुकात हैं आपको, ये जो हैं are the titles of courses जो international relations के मतहत, और आज ये एक independent discipline की हैसियत से मौजूद। तो international politics जो है वो IR field के साथ related है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ है, कि किस तरह से दुनिया के अंदर ताकतवर ममालिक की एक हेजमोनी कायम है, कैसे जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो बड़ी पांच पावर्स हैं, जिसको हम लोग P5 कहते हैं, बिग पावर्स ऑफ फाइव, ये यूएनओ में मौजूद हैं, जिनके पास वीटो पावर है, जिनमें यूके, यूएसए, फिर उसके बाद रशिया, चाइना एंड फ्रांस शामिल है, कि कैसे इन पांच ममालिक ने दुनिया को एक तरह से अपने मफादात के मतलब इनको जो बात पसंद नहीं है ये उसको कौम तद्दा के अंदर क्या कर देते हैं, वीटो कर देते हैं, और ऐसे कौम तद्दा के अंदर जो छोटे ममालिक हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने मफादात का वहां पे दफा नहीं कर सकते, क्योंकि P5 अगर कौम तद्दा के अंदर ये किसी बात के ऊपर वीटो कर दे तो उस बात के ऊपर जनरल संधि में बहस नहीं हो सकती। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स है, ये वो तमाम चीजें हैं जो मोर और लेस हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसे गवर्न किया जा रहा है, कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये किस तरह से अनार्किक होता जा रहा है, हत्ता के इंटरनेशनल लॉ ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्मूथ तरीके से काम कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से मतलब स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन
दुनिया की बेहतरीन उम्मीद है, लेकिन आज भी ये दुनिया के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकी, आज भी दुनिया के कई तनाजात नहीं खत्म कर सकी। तो हम लोग फिर इंटरनेशनल सिस्टम को इसी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए समझते हैं, और यही इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मोर और लेस पॉलिटिकल साइंस की एक सबेल की हैसियत से मौजूद है। फिर इसी तरह के साथ हम लोग अगर फर्दर बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की जो चौथी फील्ड है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके दो आगे से पोर्शंस हैं, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, दो ब्रांचेस हैं, और दूसरी जो है वो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल फिलॉसफी या नॉर्मेटिव जो है वो फिलॉसफी, ये नॉर्मेटिव ब्रांच भी है, इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये वो आइडियल्स हैं जो मुख्तलिफ फिलॉसफर्स ने मुख्तलिफ औकात में दिए। सपोज आप मतलब ये आज भी देखते हो कि प्लेटो की जो पॉलिटिकल थीरीज है वो आज भी उसकी रिपब्लिक के अंदर मौजूद है, दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और प्लेटो ने ये थीरीज क्यों दी, उसके पीछे वजह क्या थी, वो अपनी सोसाइटी को क्यों रिफॉर्म करना चाहता था। पॉलिटिकल, अच्छा दो चीजों में फर्क होगा, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी और दूसरे नंबर पर एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल फिलॉसफी वो है जो आइडियाज पर मबनी है, और ये जरूरी नहीं कि उन आइडियाज के ऊपर अमल दरामद हो या ना हो। जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर मबनी है, जिसको आप अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकती है, अप्लाइड साइकोलॉजी हो सकती है, इसी तरह से अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस। जिस तरह से आप किसी भी सब फील्ड के अंदर देख ले, दो तरह की चीजें नजर आएंगी, एक फिलोसॉफिकल आइडियाज और दूसरे नंबर पर अप्लाइड थीरीज जो है वो नजर आएंगी कि उनको अप्लाई कैसे किया जा सकता। प्लेटो अपनी सारी जिंदगी के अंदर इंटरेस्टेड था जस्टिस के अंदर, और वो किस तरह से एक ऐसी सोसाइटी को फ्लरिश करने की बात कर सकता कि जिसमें जस्टिस मौजूद नहीं है। अरिस्टोटल ने ये बताया दुनिया के अंदर कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जायज हुकूमत कौन सी होती है और नाजायज हुकूमत जो है वो कौन सी है, और किस तरह से इनमें फर्क है। So more or less, कि कैसे कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कैसे वैल्यूएबल है। एवरीवन शुड टेक अ कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। तो हमें मतलब जो है वो कितने बड़े नाम नजर आएंगे, प्लेटो, अरिस्टोटल, सेंट अगस्टिन, सेंट थॉमस इक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल एंड कार्ल मार्क्स। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियल्स दिए, जिन्होंने मतलब रियासत के अंदर होने वाली जो अफरा तफरियां थी उनको बेहतर करने की बात की, जिन्होंने ये बताया कि रियासत के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस डॉक्ट्राइन के जरिए, और फिलोसॉफिकल आइडिया वही आइडिया होता है कि जो एक फिलोसोफर की डीप थिंकिंग ऑब्जर्वेशन का नतीजा होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब अपने मतलब सब्जेक्ट को ग्रूम किया, उसके अंदर ऐसी थीरीज शामिल की कि जिससे दुनिया बेहतरी की तरफ जा सके। Whereas, जब आप अप्लाइड पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ जाते हैं, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ जाते हैं, तो ये मोस्ट रीसेंट ओरिजिन में नजर आती है। लेकिन बहरहाल इसकी इब्तदा जो है वो निकोलो मैकियावेली की किताब, निकोलो मैकियावेली की बड़ी मशहूर किताब थी जिसका नाम द प्रिंस था,
वो उसमें कहता है कि एक हुक्मरान को लोमड़ी की तरह अय्यार, मक्कार और बेईमान होना चाहिए। वक्त पड़ने पर उसको मतलब जो है वो अपने वादों से मुकर जाना चाहिए। तो ये मतलब वो ये मशवरे किसको दे रहा था? वो बादशाह को ये मशवरे देता है कि कैसे मतलब जो है वो एक अच्छा हुक्मरान और पावर के साथ जो है वो कैसे सरवाइव कर सकता है, ताकत क्या। यही चीज जो है वो कोटला चंख्या की किताब आज से 4,500 साल पहले लिखी जाने वाली अर्थशास्त्र के अंदर भी मौजूद है, और अर्थशास्त्र के अंदर भी चंख्या इसी बात की तरफ इशारा करता है कि जो वादे हैं वो मतलब उसको हुक्मरान को तोड़ने में कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए, अपना मफाद सबसे पहले। तो मैकियावेली वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ पावर। ताकत कैसे हासिल की जाती है, इसको बरकरार कैसे रखा जाता है, और ये ताकत छिन क्यों जाती है लोगों से, रियासत से ताकत कैसे छिन जाती है, वो इस बात के ऊपर भी फोकस करता है। वो इमोरल इज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इमोरल, और हमें वो अमोरल नजर आता है। अमोरल एक ऐसा बंदा कि जिसको अहलाकियात की कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब उसको यकीन नहीं। तो मोरालिटी इज नॉट व्हाट इंटरेस्ट हिम एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। वो इंटरेस्टेड था इन द फैक्टिव एक्सरसाइज ऑफ पावर, और आज पूरी दुनिया के अंदर ये बात क्लियर है और क्लियरली मेंशनड है कि किस तरह से जो पावर जो है वो गुड पर्पस के लिए मतलब जो है वो यूज की जा सकती, और पावर जो है पावर कैन बी यूज फॉर गुड पर्पस आर फॉर इल, बट विदाउट पावर वेरी लिटल कैन बी अचीव्ड इन पब्लिक लाइफ। आप रियासत के से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ताकत के बगैर आपकी कोई हैसियत नहीं, यू वर्थलेस। तो द एम वॉज टू बी तो असल में जो एम था वो बुनियादी तौर पर यही था कि किस तरह से वैल्यू फ्री डिसिप्लिन के पॉलिटिकल बिहेवियर विद द सेम एक्यूरेसी, और आज दुनिया की पूरी सियासत जो है वो इन्हीं चीजों के साथ हम लोग मैनेज होती हुई देखते हैं। बिहेवियर शुड बी क्वांटिफाइड, कोरिलेशंस शुड बी ड्रॉन बिटवीन वेरिएबल्स, एंड द रियल थियरीज शुड बी कंस्ट्रक्टेड। फिर ये देखा जाता है कि लोग वोटिंग बिहेवियर, इसको हम अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना, कि लोगों का हम वोटिंग बिहेवियर जज करते हैं। वोटिंग बिहेवियर को कैसे जज किया जा सकता है कि लोगों के ऊपर किस तरह से उनकी बरादरी असर अंदाज होती है। लोग वोट कास्ट करते हैं, लोगों की रिलीजियस एफिलिएशन कैसे असर अंदाज होती है। लोग वोट कास्ट करते हैं, लोगों की गुर्बत उनके ऊपर कैसे असर अंदाज होती है। फिर किस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन, लोग देखा देखी मतलब उस तरफ जो है वो निकल पड़ते हैं, जहां स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और साइंटिफिक मेथड जो हैं वो बड़ी तेजी से इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मोर और लेस ये वो अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस है जिसके जरिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से पोलिटिकल रिलेशन जो है वो उनको कैसे वैल्यूएट किया जा सकता। So these are the overall branches of political science. That's overall. और इंशाल्लाह next session में जब मैं बात करूँगा तो political science का relation उसके हवाले से बात होगी कि political science जो है उसका दीगर social sciences के साथ क्या ताल्लुक है। That's overall जी जो आज के लिए था। इंशाल्लाह जब next session से शुरू करेंगे तो हम political science का relation with other social sciences से बात करेंगे।